अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे करप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। करप्शन जो हमारे माशरे में एक नासूर की तरह सराइज कर चुकी है। आम तौर पर जब हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप करप्शन में मुलव्वस क्यों हैं, तो इससे पहले तो लोग इस पर शर्मिंदा होते थे, अब वो डटाई के साथ कहते हैं कि और क्या करें, हमारे पास चारा कोई नहीं है, हमारी तनख्वाह कम है। आपको याद होगा कि 20-25-30 साल पहले अगर कोई पुलिस वाला सड़क पर किसी चौक में अगर कोई रिश्वत भी लेता था तो वो छुप के मुजरम की तरह हाथ बंद करके बहुत ही शर्मिंदगी के साथ वो रिश्वत वसूल करता था, और आज वो इंतहाई ढटाई के साथ अपना हक समझ के रिश्वत मांग रहा होता है। यानी अब ये बुराई बुराई समझी ही नहीं जाती और वो कहते हैं कि ये हमारा हक है क्योंकि हमारी तनख्वाहें कम हैं। तो ऐसा हुआ, चंद साल पुरानी बात है, मुझे एक पुलिस के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने के लिए बुलवाया गया, लेक्चर देने के लिए बुलवाया गया। तो मेरे जो मुखातबीन थे वो कांस्टेबल से लेकर ASI तक के निचले दर्जे के जो पुलिस अहलकार हैं वो थे, और मौजू भी अखलाकी तरबियत से मिलता जुलता था कोई। तो मैंने उनसे पूछा रस्मी बातों के बाद कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करप्शन की और रिश्वत की बेशुमार दास्तानें मुंसलिक हैं, क्या ये दुरुस्त है? थोड़ी सी रद्दोकद के बाद वो कहते हैं कि हाँ जी, बात तो ये ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग करप्शन क्यों करते हैं, अपनी आमदनी को हराम क्यों करते हैं, अपने घर वालों को लुकमाए हलाल की बजाय लुकमाए हराम क्यों देते हैं? तो उनमें से चंद लोग फट पड़े। हमारी ड्यूटी का आप सोच नहीं सकते कितनी है, हम 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमारी पोस्टिंग यहाँ पर है, हमारी फैमिली यहाँ पर है, हमारी तनख्वाहें कम है, हमारा गुजारा नहीं होता, हमारा गुजारा नहीं होता तो हम रिश्वत ना लें तो हम क्या करें? जो हमारा अमूमी मिजाज है एग्जैक्टली उसके मुताबिक पुलिस वालों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। तो जहाँ मैं खड़ा था वहाँ मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड, मार्कर, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी तनख्वाह कम है, मैं भी ये बात मानता हूँ, और ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाए और ड्यूटी आवर्स कम हो जाएँ तो फिर तो यकीनी तौर पर आपको करप्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो कहते हैं सर ड्यूटी आवर्स की बात कोई नहीं है, हम काम करने को तैयार हैं मगर तनख्वाह ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा आप बताएं कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। मुझे उन्होंने वो बताना शुरू किया और मैंने मार्कर हाथ में लेकर बोर्ड पर लिखना शुरू किया कि जिस वक्त की बात है उस वक्त कांस्टेबल की तनख्वाह गालिबन की 15-16 हज़ार हुआ करती थी, आजकल तो माशाल्लाह कांस्टेबल्स जो हैं वो 40-40 थाउजेंड भी ले रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त जब उनकी तनख्वाह कोई 15-16 हज़ार होती थी कांस्टेबल की, उन्होंने कहा कि मिनिमम सैलरी जो है वो 50,000 ज़रूर होनी चाहिए। मैंने कहा कि यार 50,000 में गुजारा नहीं होगा, आप आज ये 50,000 बता रहे हैं मगर साल, दो साल, चार साल के बाद ये कम हो जाएगा, हमें पहले से ही ठीक तयन करना चाहिए। तो मेरी राय है कि ये तनख्वाह कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। वो मेरा मुंह देखने लग गए कि ये मजाक तो नहीं कर रहा, मगर मैंने बिल्कुल संजीदगी से कहा कि मेरा ये ख्याल है कि जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप काम करते हैं, आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपये होनी चाहिए, और मैं वाकई यही समझता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा 1 लाख रुपये। मैंने कहा और क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ साथ हमारी फैमिली के लिए अच्छे पैमाने पर फ्री मेडिकल सहूलतें होनी चाहिए, हमें मेडिकल सहूलत देने के लिए बहुत ख्वार होना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल, ये आपका हक है। तो मैंने आला दर्जे की मेडिकल सहूलियात भी लिख दी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जिस मर्जी स्कूल में पढ़ें उनकी तालीम फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हम कौम के लिए, कौम के तहफ़ के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं, तो कम अज़ कम अच्छी तालीम तो हमारे बच्चे का हक है। मैंने कहा एग्जैक्टली, आपने ठीक कह रहा। मैंने बोर्ड के नीचे उनके बच्चों के लिए अच्छी तालीम लिख दी। फिर उन्होंने कहा कि जब आर्मी वाले रिटायर होते हैं तो इन्हें अच्छी जगह पर प्लाट्स मिलते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां पे हम रिटायरमेंट के बाद अपना घर बना सकें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, कितना प्लाट होना चाहिए? उन्होंने कहा छोटा सा भी हो जाए। मैंने कहा छोटा सा भी कितना? कम अज़ कम 5 मरले का। मैंने लिख दिया 5 मरले। फिर मैंने कहा कि इस मकान को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी पैसे चाहिए और वो भी गवर्नमेंट को देने चाहिए। तो कहते हैं जी गवर्नमेंट कहाँ देती है? मैंने कहा देने तो चाहिए ना। कहते हैं हाँ, कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसे बोले मैंने वो भी लिख दिए। गर्ज़ है कि इन्होंने 2-4-5 और चीज़ें बोली, वो सारे का सारा बोर्ड भर गया। अब मैंने उनसे पूछा कि इसमें अपने गाड़ी नहीं लिखवाई? वो हंसने लग गए, कहते हैं जी सानू गड्डी कितने देनी है? मैंने कहा यार हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि देनी है कि नहीं देनी, हम तो ये देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी सहूलियात मयसर हों तो इंसान करप्शन नहीं करता। उन्होंने कहा कि जी छोटी सी गड्डी मिल जाती तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी नीचे मेहरान लिख दी। फिर मैंने कहा कि गाड़ी के लिए पेट्रोल भी तो होना चाहिए ना, 100 लीटर पेट्रोल भी लिख दिया। अब वो सारा बोर्ड भर चुका है। अब मैंने उनसे कहा कि ये बताइए अगर ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएं तो क्या आप करप्शन करेंगे? वो कहते जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कस्में खाई, बल्कि कुछ लोगों ने कि अगर हम कसम खाते हैं इसके बाद करप्शन नहीं होगी। और जैसा कि पुलिस वालों के मिजाज में बाजू का गालियां शामिल होती हैं लोअर रैंक्स में, तो कुछ ने बाकायदा खुद को गालियां देते हुए कहा कि वो तो बड़ा एंजॉय होगा जरा फिर भी करप्शन करे।
मैंने उस सारी चीज़ों को सर्कल किया, मैंने कहा कि बात सुनिए, अगर करप्शन का ताल्लुक वसाइल और सहूलियात से होता तो फिर आपका एसपी करप्शन ना करता, आपका डीपीओ करप्शन ना करता, आपका आरपीओ करप्शन ना करता, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई बंदा करप्शन ना करता, पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दें, आपका वजीर करप्शन ना करता, आपके एमएनए एमपीए करप्शन ना करते, आपका प्राइम मिनिस्टर करप्शन ना करता, आर्मी के जर्नैल करप्शन ना करते, अदलिया के जज करप्शन ना करते, जिनकी मराहत, जिनकी तनख्वाहें, जो कुछ आपने लिखाया है इससे कई गुना, बल्कि हो सकता है कई सौ गुना ज्यादा हो, मगर वो सब भी तो करप्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि करप्शन का ताल्लुक कम वसाइल या बुरे हालात से नहीं है, करप्शन एक खास तरह के माइंडसेट का नाम है। आपको बचपन से बताया गया था, आपको सिखाया गया था कि पुलिस में जाना तो करप्शन करना। हमें आज बचपन में मुहावरा पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए कितना गलत मुहावरा है, ये बेसिकली बदध्यानती की, बेईमानी की और करप्शन की बुनियाद रख रहा है, हम इसे समझ नहीं पा रहे। देखिए इस मुहावरे में गलतियां, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब है कि बेस्ट एक डिग्री इस्तेमाल की इन्होंने, थर्ड फॉर्म बेस्ट, इससे एक स्टेप नीचे आ जाए वो होगा बेटर। अब मुहावरा पढ़ाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और बचपन में घर वालों ने बताया, दोस्तों ने बताया, साथ ने बताया, आसपास ये बातें सुनी कि यार पाकिस्तान में रिश्वत सिफारिश करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। मुहावरा पढ़ा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका मतलब है कि इट इज अ बेस्ट पॉलिसी बट नॉट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए सेकेंड बेस्ट पॉलिसी, डिसऑनेस्टी इज बेटर इन पाकिस्तान। अब आप डिसऑनेस्टी भी चले गए, फिर आपको ऑनेस्टी भी बतौर पॉलिसी इख्तियार करने को कहा गया कि ये पॉलिसी है, हालांकि ऑनेस्टी का ताल्लुक अकदार के साथ है, वैल्यूज के साथ है, आपकी तरबियत के साथ है। जितनी तनख्वाह मैंने उनसे कहा कि आप लोग ले रहे हैं, इससे कम तनख्वाह तो वो स्कूल टीचर ले रहे हैं जिनकी आमदनी आपसे कम है और उनकी तालीम आपसे ज्यादा है, और सर्व वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, वो नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, मगर उनकी तनख्वाहें आपसे कम है। तो माय डियर्स, आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि करप्शन का ताल्लुक वसाइल के साथ या हालात के साथ नहीं है, खास माइंडसेट के साथ है। आप लोगों ने बेशुमार ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जिनकी रोजाना की सेल्स नहीं, रोजाना का खालिस मुनाफा सेल्स के बाद जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो लाखों में है, मगर वो बिजली चोरी करते हैं। डेली का मुनाफा लाखों में और डेली की 500 रुपए की 1000 रुपए की बिजली वो चोरी करते हैं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, मगर दर हकीकत ये चोरी उनकी तरबियत में शामिल है, इसलिए वो चोरी करते हैं, वरना वो चोरी ना करते। तो माय डियर्स, करप्शन, चोरी, धोखा, फ्रेब, लूटमार, इसका ताल्लुक एक खास तरह के माइंडसेट से है। आज के बाद कभी भी हालात को इल्ज़ाम मत दीजिएगा, कम तनख्वाह को, कम वसाइल को इल्ज़ाम मत दीजिएगा, सामने वाले की तरबियत पर गौर कीजिएगा, वो कहाँ से आया है, जिस करप्शन में वो मुलव्वस है वो कौन है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी तरबियत कहाँ पर हुई है, वो किस तरह के दोस्त अहबाब में पला पड़ा है। इसी तरह अपनी और अपने बच्चों के आसपास के लोगों का बगौर मुशाहिदा करें, कहीं ऐसा ना हो कि करप्शन एक वायरस की मानिंद है, इसके जरासीम, इसके जर्म्स आप में या आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र ना कर जाएं, वरना आप लाखों भी कमाएं ये जीन्स से नहीं निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।